दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रशिया के सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। सुखोई 34 यानी कि फुल बैक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्ट एक रशिया का फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ये सोवियत ओरिजिन रशियन ट्विन इंजन ट्विन सीट ऑल वेदर सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। ये सुखोई 27 एयरक्राफ्ट का ही एक वेरियंट है। रशिया इस एयरक्राफ्ट को यूक्रेन वॉर में भी इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि इस एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने मार गिराया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में क्या खास है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर एक पायलट खड़ा भी हो सकता है, लेट भी सकता है और उसके अंदर एक किचन भी है और उसके अंदर एक बाथरूम भी है। इन्हीं कारणों के कारण ये एयरक्राफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो सुखोई 27 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है, रशिया के पास सुखोई 27 फाइटर एयरक्राफ्ट एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर बेस्ड उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं। सुखोई 30 एमके फाइटर एयरक्राफ्ट भी सुखोई 27 का ही वेरिएंट है। सुखोई 34 एयरक्राफ्ट ही भी उसी के ऊपर बेस्ड है और ऐसे ही उनका सुखोई 35 एयरक्राफ्ट भी उसी के ऊपर बेस्ड है। सुखोई 34 को टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स के लिए बनाया गया है। इसे ग्राउंड और नेवल टारगेट्स के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाता है और इसके साथ ही इसका जो कॉकपिट है उसमें जो सीट्स हैं वो आगे पीछे नहीं लगी हुई हैं बल्कि साइड बाय साइड है, जैसा कि एक कन्वेंशनल बॉम्बर में होता है। इसमें दो लोगों का क्रू होता है जो कि साइड बाय साइड बैठ सकते हैं। रशिया का सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्ट रूस के सुखोई 24 टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर और तुपलव 22M लॉन्ग डिस्टेंस बॉम्बर को रिप्लेस करेगा। इस एयरक्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आज तक 2016 में जब से इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है उसके बाद से 143 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं जिसमें 7 टेस्ट एयरक्राफ्ट थे और 134 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में जानते हैं। इस एयरक्राफ्ट का ज़्यादातर डिज़ाइन सुखोई 30 एयरक्राफ्ट जैसा ही है और इसमें जो कनार्ड्स हैं वो सुखोई 30 एमके एयरक्राफ्ट जैसे हैं। इससे इसकी मनोवरेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और ट्रिम ड्रैग काफ़ी कम होता है। इस एयरक्राफ्ट में दो सेचन AL-31 FM-1 टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए हैं। ये वही इंजन्स हैं जो सुखोई 27 SM एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं और AL-31 इंजन का इस्तेमाल भी हमारे सुखोई 30MK एयरक्राफ्ट में किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट फुली लोडेड होने पर भी Mach 1.8 से ज़्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्टैंडर्ड सुखोई 27 एयरक्राफ्ट से कम है, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा हाई जी लोड्स को झेल सकता है और इसके साथ ही ये एरोबैटिक मैनूवर्स भी कर सकता है। जब इसे फुल वेपन्स लोड के साथ इक्विप किया जाता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 4000 किलोमीटर की होती है जो कि बिना रिफ्यूलिंग के है। अगर इसे एरियर रिफ्यूलिंग के साथ एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 9G तक के मनूवर्स को कर सकता है और इसके साथ ही ये 8000 किलोग्राम तक का ऑर्डिनेंस लेकर उड़ सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसके साथ 8000 किलोग्राम तक के ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें रशिया के लेटेस्ट प्रसीजन गाइडेड वेपन्स शामिल हैं। इसमें एक GSH-30 कैनन है जो कि एक 30 मिलीमीटर की गन है जो कि रशिया के सभी एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल की जा सकती है और इसके साथ ही ये स्टैंडर्ड एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर उड़ सकता है, जैसे कि रशिया की R-77 एयर टू एयर मिसाइल है और R-73 मिसाइल है, ऐसी मिसाइल का ये इस्तेमाल कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बता दें कि ये 4000 किलोग्राम तक के एक सिंगल वेपन को कैरी कर सकता है, यानी कि ये 4000 किलोग्राम तक के बॉम्ब को कैरी कर सकता है और यहाँ ये इतनी हैवी मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। इसके जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं उनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है और जो कि वेपन के वेरिएंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसका जो खेबिनी इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम रशिया का खुद का डेवलप किया गया है जो कि उनके सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है।
इस एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड फ्यूजलाज को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जो इसका कैबिन रूम है वो काफ़ी बढ़ जाए, जिससे कि क्रू का कंफर्ट और सेफ्टी काफ़ी बढ़ जाए। और क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की रेंज काफ़ी ज़्यादा है और ये लंबे मिशंस पर जाता है, तो इसमें ऐसे फीचर्स होने ज़रूरी हैं कि पायलट्स इतना लंबा मिशंस आसानी से कर सकें। इसीलिए इसमें किचन और टॉयलेट की फैसिलिटी दी गई है। इसमें एक हैंड हेल्ड यूरिनल टॉयलेट है और इसके साथ ही इसमें थर्मोस किचन भी है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में जो सीट्स हैं उनके बीच में इतनी स्पेस है कि इस स्पेस में पायलट्स अगर ज़रूरत पड़े तो वो लेट भी सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में V004 मेन रडार है, जो कि एक टेरन फॉलोइंग और टेरन अवॉइडेंस मोड्स के साथ आता है। ये एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है, जिसकी फॉरवर्ड रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक है। इसका जो मेन रडार है एक ही समय पर 10 ए टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसमें एयर, लैंड और सी टारगेट सभी शामिल हैं। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट के जितने बड़े टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही स्कैन कर सकता है। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करने की काफ़ी कोशिश की गई है। इसके साथ ही एक नया फोर्थ जनरेशन रडार पीका एम, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, उसने भी 2016 में ही अपने टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो ऐसा हो सकता है कि इस रडार को भी इस एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल कर दिया गया हो। रशिया की माने तो वो इस एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए होगा, जो कि एक ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कवर प्रोवाइड करेगा, जिसमें टेरेंटल ECM पॉड होगा और इसके साथ ही एक एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकनसेंस में भी काम आ सकेगा। इस एयरक्राफ्ट का एक नया मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे सुखोई 34M नाम दिया गया है। इसमें एक नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टारगेटिंग पॉड है, एक कॉपियो DL रियर वार्ड फेसिंग रडार है, जो कि पायलट्स को वार्न कर देगा अगर उनकी तरफ कोई मिसाइल अप्रोच कर रही हो, और इसके साथ ही ये खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिकली ही काउंटरमेजर्स और जैमिंग को डिप्लॉय कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट अपने आप में ही काफ़ी एक यूनिक एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ऐसा रशिया ही एक ऐसा देश है जिसने एक ऐसे फाइटर बॉम्बर को डेवलप किया है जो कि इतनी लंबी रेंज तक अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।